सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका गेमर्स वाइट चैनल में। आज के वीडियो में हम खेलने वाले हैं एज ऑफ सिविलाइजेशन 2। तो ये सीरीज का सेकंड एपिसोड है। तो पहले एपिसोड में हम लोग ने साउथ रीजन को डोमिनेट कर लिया था, पूरा कैप्चर कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं नॉर्थ साइड में हम बढ़ेंगे। तो आज हमारे मेन जो हमें कैप्चर करना है वो है ये वाला किंगडम बहामी। हाँ बहामी। तो शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन अभी अच्छी नहीं है। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें ये कैप्चर करना है। तो इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये जो थोड़ा छोटा सा किंगडम है उसे पहले कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि इससे फिर थोड़ा ठीक रहेगा हमारे किंगडम के लिए। तो ठीक है, तो मैं अपने सेना को यहाँ भेज देता हूँ। कुछ 3000 है मेरे पास अभी सैनिक। यहाँ मैं थोड़ी सी सेना कर लेता हूँ, 1100 काफ़ी होगा। हाँ तो थोड़े से और पैसे खड़े हो गए। सोचा 3-4 हज़ार रखते हैं। तो 500 और कर लेते हैं, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। तो ठीक है, हम इसके ऊपर वॉर डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर हुआ। ओके, देखते हैं। ओ मुझे नहीं लगता कि इतना हमारे पास सैनिक हो गए। तो मैं ये कुछ 1200 सैनिक हाँ रेसिक्यूट कर लेता हूँ। तो यस, तो ये तो कैप्चर कर लिया हमने इसका कैपिटल। तो यहाँ 300 भेजते हैं और यहाँ 300। हम 1200 सैनिकों को हम यहाँ भेजते हैं कि कुछ ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो नहीं, उसकी तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। तो ठीक है, हमने ये बैटल भी जीत लिया है। तो अब हम पीस नेविगेशन कर लेते हैं। हाँ, हमें पूरा कैप्चर करना है। तो यस, अब इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ। सो या, हमने ये कैप्चर कर लिया है। तो मैं इसका थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ा देता हूँ। और अगर आपको नहीं मालूम स्टेबिलिटी क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि स्टेबिलिटी होता क्या है। तो आप वो वीडियो जाके देखो, तो उससे आपको इस गेम के बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाएगा। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे डाउनलोड करें उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। तो जैसा आप लोग बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप बोलोगे कि बना वीडियो तो हम बना देंगे। तो ठीक है, हमारे पास अब कुछ आर्मी तो हो ही गए, मतलब पैसे तो आ गए हैं। और थोड़ी और आर्मी यहाँ हम कर लेते हैं, कुछ 800 है ना। गेम सेफ हो रहा था, बहुत जल्दी सेफ हो गया। चलो कोई नहीं। तो यहाँ हम थोड़ी सी आर्मी इकट्ठा कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाहता, क्योंकि उतना कोई देखेगा ही नहीं। तो पहले हम थोड़ी सी लंबी, मतलब थोड़ी सा आर्मी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोग को मिलता हूँ। तब तक मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, 1 सेकंड में मैं आ जाऊँगा, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। सो हाँ गाइस, हमने ये पूरा अपनी आर्मी तैयार कर ली है। तो मेरे हिसाब से अब वॉर के लिए सही समय है। तो हाँ, हम अब शुरू करते हैं डिक्लेयर वॉर। तो यार, बहुत बड़ा किंगडम है, से थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए और उसमें फिर हमारा फिर किंगडम हम आ सकते हैं। तो हमारे पास वही नहीं पड़ रहा, कोई नहीं, हम नेक्स्ट टर्न करते हैं। नहीं सह पाएगा, कोई नहीं। अरे बढ़िया, ओहो जीत गए, बहुत मस्त तरीके से जीत रहे हैं। तो अब हमें यहाँ जाना है और इसको यहाँ भेजना है। यहाँ भी कुछ 400 भाई, 400 ज़्यादा नहीं। मैं सोच रहा हूँ 8 इसमें लगेगा ना। तो मैं सोच रहा हूँ ना 2400 नहीं, हाँ 2400 भेज देता हूँ।
और ये इसको यहाँ भेज, नहीं तुम यहाँ नहीं जाओ, यहाँ भेज देते हैं। और ये यहाँ जाएगा। हाँ बाकी सब ठीक है, देखते हैं अगर इसका कैपिटल हम कैप्चर कर पाए। ओ फक, इतनी बड़ी सेना, कोई नहीं कैपिटल कैप्चर हो गया। पर यार इतनी बड़ी सेना को कैसे हराऊंगा मैं, इतने तो मेरे पास ट्रूप्स ही नहीं है मैं हरा सकूं। तो मैं यहाँ थोड़े से 1200 में कर लेता हूँ, क्योंकि भाई पूरा मुझे यही लगाना। और मैं 1200 यहाँ भेजता हूँ, और 1000 में हम भेजते हैं। 8-8 भेजूँगा तो 16-6 बचेगा नहीं, तो ये 1800 भी हम यहाँ भेजते हैं। ये हम भेजते हैं 400 इधर और 200 उधर। तो ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। कोई नहीं, मुझे यार इसकी आर्मी ये वाली कमज़ोर करनी है, क्योंकि फिर हम जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। 600 यहाँ, 200 यहाँ, 135। ओह इतना ही मिल बचा। ओके सो ये यहाँ आ सकते ना। ओके तो अभी तो कुछ बचा ही नहीं, तो ठीक है करते हैं नेक्स्ट टर्न। 700 सेट अपना किंगडम जो कैप्चर कर लिया वापस। यही मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए गड़बड़। अभी हम जीत तो रहे हैं पर ना, पर उतना अच्छे तरीके से नहीं जीत रहे ना, यही हमारा मेन वही है प्रॉब्लम। तो कोई नहीं, ये वाला तो हम कैप्चर कर ही ले रहे हैं सबसे, ये किलना अपना सब इसी में कर ले रहा हूँ। नहीं भाई तू पहले ना इसको छोड़, पूरी सेना यहीं लगा है ना। 8 बचे, इसको भेजो आगे। तो मेरे हिसाब से अब तो हो ही जाना चाहिए, लेट्स सी। तो ये हो गया 1300। अरे हम तो, चलो कोई नहीं भाई, अब जीत जाएंगे हम, क्योंकि अब इसके पास सेना भी नहीं बची है और ना ही इसके पास वो ज़्यादा है प्रोविंस जो बोलते हैं। 1600 हम यहाँ भेज देते हैं, 100 यहाँ, 135 हम यहाँ भेज देंगे, 900 में से 500 यहाँ भेज देंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, पूरा लगा दो ना, टेंशन क्या है, नेक्स्ट टर्न में आ जाएगा। तो 88 नहीं होगा भाई इतने में से हमें कुछ। गुड, या दैट्स द स्पिरिट, गुड बिच, गुड बिच। 94 यहाँ भेजते ताकि वो ज़्यादा वो ना कर पाए। और ये हम भेजते हैं यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ। तो यार हम जीत गए, बहुत आराम से हम जीत गए। बीच में हल्की मुश्किल हुई रही, पर हाँ उसके पास बस उतनी आर्मी रही। तो देख सकते हैं हमने अपने मेन जो एनिमी रहा हमारा, उसको हमने हरा दिया है। तो ठीक है, अब मैं पूरा इसका कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि भाई हमें अब कैप्चर तो करना ही है इसका। 3-3 ये ये क्या है, अरे एक बार में नहीं कर सकते, तो शायद इसको हम एक बार में कैप्चर नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि ये क्या बताता है। ऐसा नहीं भैया, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो सोचते हैं कि कौन सा ले, ये लेते हैं, इतना तो आ जाना चाहिए ना। अरे नहीं आ रहा यार, ये छोड़ो, ये लो, एक बच्चा रहा है, कुछ एक में कुछ हो रहा है, एक में तो कुछ ना हो रहा। अगर हम ये 4 हटा दें और ये ले ले, नहीं हमें ये दे दो,
दे दो, ओके ये चार वाला दे दो, और क्या करे, पांच वाला छूट गया तो ये दो तो मिल जाएंगे। पर इसका वो कैपिटल है तो यही लेते हैं, और बाद में हम इसका पूरा ले लेंगे। कितने, रुको रुको रुको, हम फिर से पीस नेविगेशन करना है, हमें 30 टन का रखेंगे ताकि क्या लिए लिए हम एक्स्ट्रा, अरे ये नहीं तो ठीक। हाँ हम 30 टन का रखेंगे ताकि ये जल्दी से हमारे पास आ जाए। आइए तो नेविगेशन सेंड, तो या तो जीत का रहे ये, हम पूरा नहीं ले पाए क्योंकि कुछ हिसाब से कुछ ग्लिच हुआ होगा ये इस गेम का कुछ है, क्योंकि मुझे भी एकदम एक्जैक्टली नहीं मालूम कि कैसे क्या करना है। तो अभी पैसे नहीं बचे, अब देख सकते हैं कि अब हमारा 3000 प्लस हो रहा, पहले 1400 हो रहा था, अब 3000 हो रहा है। तो यही है, आप कैप्चर करते जाओगे आपका वो बढ़ते जाएगा। तो ओके, तो ये विजयनगर है, हम देखें ये बहामी जो भी भाई नाम है इसका, ये छोटू सा हो गया। अब हम इसको भी ले लेंगे अभी थोड़ी देर में, जब तक हमारा ये थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी बढ़ा लें और इनकम में भी हमारे कुछ पैसा आ जाए तो ठीक है। तो मुझे देखना है हम इसके ऊपर कितने 42 टन तक नहीं कर सकते। ओहो तो ठीक है, मैं 42 टन के बाद मिलता हूँ, तब हमारे पास सेना भी है, मैं रेडी कर रखूँगा और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर लेंगे। तो ठीक है, मैं पॉज करता हूँ अभी वीडियो। चलो फिर से मैं अभी बता रहा हूँ, तो अभी हम बहामास के ऊपर जुल नहीं करते क्योंकि उड़ीसा ने हमारे ऊपर अटैक किया था, और मैं बीच का बता देता हूँ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले गुजरात ने हमारे ऊपर वॉर किया जिससे हम जीत के उससे उसका एक प्रोविंस मुंबई हमने वो कैप्चर कर लिया, और फिर उसके बाद ये मेहरा ये स्किंगडम का ही नाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और इसने फिर हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने ये इसका ये छोटा सा एक आइलैंड टाइप वो हमने कैप्चर कर लिया। तभी उड़ीसा हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर किया है, तो हम यहाँ कुछ 2000 सैनिक करते हैं और 1500 हम यहाँ भेज देते हैं। तो मैं हाँ मुझे मालूम था तो करेगा है तेजपुरी सेना खत्म ही हा हा। तो 1000 हम यहाँ भेजते हैं, 500 यहाँ, और 100 हम यहाँ भेज देते हैं। तो अभी क्या हुआ, तो मैं यहाँ यार अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, और हाँ रिफ्यूज, और हम बहामास और मालवा का ये अभी युद्ध चल रहा है, तो हम जैसे ही हम जल्दी से जल्दी बहामास के ऊपर युद्ध करेंगे क्योंकि यार मालवा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें उसे अभी नहीं खोना है। तो ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर युद्ध 1000, चलो हमने ये ले गया, ये ले गया, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, हमारे पास 700 सैनिक है, हम वो भी भेज देंगे। ये 700 सैनिक हम भेज रहे हैं भाई, ये युद्ध बड़े आराम से जीत गए। उड़ीसा को लगता है नहीं मालूम था कि विजयनगर क्या चीज़ है, तो इससे उसने गलत पंगा ले लिया। तो ये तो हम मैं सोच रहा हूँ इसे पूरा कैप्चर ही कर लूँ, क्योंकि अब क्या फायदा यार इसको ऐसे खुला छोड़ के, है ना। पूरा नहीं है, पूरा नहीं, पूरा नहीं, मेरे को ये 300, अरे नहीं यार मैं पहले से ही वो कर लिया हूँ। तो हाँ पूरा हमारा कैप्चर हो गया ये, तो अभी नहीं कुछ नहीं करना भाई, अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमें अपनी पूरी सेना यहीं भेजनी है, क्योंकि अभी यार देखो अभी हमें मालवा को बचाना है यार, क्योंकि अभी ये मालवा को वैसे मुझे बचाना तो नहीं है, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये मैं इसलिए अभी कर रहा हूँ क्योंकि ये दूसरी तरफ अपनी पूरी सेना भेजा है,
तो हम अगर दो या से तीन टर्न में फिर इसके ऊपर अटैक कर लेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी अटैक करें इसके ऊपर। तो हाँ, मेरे हिसाब से हम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यस, तो हम करते हैं डिक्लेयर वॉर और 1000 सैनिक हम यहाँ भेजेंगे। अब पूरे यहाँ भेज देते हैं, यहाँ अच्छा लंबा हमने, हाँ मैं सोच रहा हूँ यहाँ भेज दूँ और 400 नहीं, यहाँ पूरे 900 भेज देते हैं और 1000 हम यहाँ भेज देंगे और 800 हम यहाँ भेज देंगे। तो ठीक है, अगर मैं इसको पूरा के पूरा बहामास को कैप्चर आज ही करूँगा तो ये यस देख रहे हैं, इसलिए इतने कम सैनिक है क्योंकि ये अभी दूसरे साइड वॉर में पूरा अपने सैनिक भेज दिया होगा। तो जी देख लो, हम आराम से इस बार बहामास को कब्जे में ले लेंगे। नहीं नहीं, अरे ये क्या हो रहा है, ये कौन भेज रहा है भाई? सिंध किससे है ये? घंटा ना, हम ना भेजेंगे एक भी क्योंकि अभी वो हमारा दोस्त है और ना तुम उसी को कैप्चर कर रहे, ऐसे कैसे चलेगा है ना। वो हमारा इतना अच्छा दोस्त है और दिल्ली से भी हमारी वो अच्छी दोस्ती हो गई है। तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बहुत ये कर लेता हूँ, 1-2 हाँ अभी 2 करते भाई, पैसे नहीं है। तो जैसे हम बहामास को जीत लेंगे तो भाई इजी पीजी कैप्चर कर लिए हमने इसे, इजी पीजी। हाँ तो गाइस, वो हमारे मेरे स्टोरेज पूरा भर गया रहा तो इसलिए मैं रिकॉर्ड इनमें स्टॉप हो गए रहे। तो हाँ पिछले उसमें हम कर रहे थे बहामास को हम कैप्चर कर रहे थे। तो ठीक है, अभी मुझे अपनी सेना भेजने दो यहाँ, छः सौ यहाँ, 400 यहाँ, 600 हम यहाँ भी भेजते हैं और 800 हम यहाँ भेज देते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ 400 काफ़ी रहेगा, यहाँ 200 भेजते हैं। तो मेरे हिसाब से इस टर्न तक तो हो जाना चाहिए कैप्चर, अगर नहीं होगा तो हम एक और टर्न में कर लेंगे, उसकी फिक्र नहीं है। तो ये 140, अरे गलत, और ये कौन, किसने अटैक किया हमारे ऊपर? अरे यार बहामास से तो हम जीत गए, ये किसने अटैक कर दिया? सिंध, अरे यार कोई नहीं, हम सिंध से लड़ते हैं अभी। ये हमें ऐसे समझा ना, अभी पूरी सेना भेज के खेल ख़त्म करता हूँ अभी इसका। तो नहीं भाई तुम मूव तो करो यहाँ, अब भाई दिमाग ख़राब हो गया है हमारा, पूरा करो मूव। और इसका कुछ कुछ फोन आ गया था, तो ठीक है हम इसको यहाँ भेजते हैं इसके कैपिटल में। अरे भाई हम, मेरा दिमाग खराब हो गया है यहाँ, पहले तो हम यहाँ इतने आराम से, तुम्हें कुछ कह रहे नहीं और तुम अटैक करती हमारे ऊपर हैं। तो ठीक है हम भेजते हैं, अब तो भाई पूरा मारो बस की। अरे गजब यार, ये क्या है, ये तो चीटिंग हुई, दिस इज चीटिंग भाई यार। लगता है आज बहामास को हम नहीं कर पाएंगे कैप्चर। तो ठीक है मैं क्या करूं, मैं तो यार दिमाग खराब हो गया, ये कहाँ कहाँ से ले लिया है और ये कहाँ कहाँ से, मतलब अलग ही जगह से लाया है अपनी सेना। तो यार अब तो कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसे रहा तो बहामास तो जीत जाएगा। तो ठीक है मैं पीसने भी किसने जितना हो सकता है भाई, वो तो नहीं हो सकता है ना हमारा। तो ठीक है यहाँ छोड़ भाई, तुम भी यहाँ नहीं जाओ ठीक, पहले इसको
देखते हैं, तुम चले जाओ। हाँ तुम जा सकते हो, है ना, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ इनके साथ, है ना। हम यहाँ तक का इसको कैप्चर कर लेंगे, फिर इसके बाद ये वीडियो हम एंड कर लेंगे, या बहुत लंबी वीडियो होगा। तो हमें ये इसने वेरिफिकेशन करे क्या 42 years? नो, नहीं भाई, मुझे पूरा वापस चाहिए। तो देखते क्या होता है, मेरा तो दिमाग खराब। कैसे कैप्चर कर लीजिए हम को, मैं 300 यहाँ डाल देता हूँ सर, यहाँ 150, यहाँ कर ही नहीं सकते। बढ़िया, मेरे हिसाब से ना, अरे यार करे तो करे क्या, जैसे जो अब करेगा वही होगा। ये तो जीत गए साइड, चलो ये साइड भी हम क्लियर कर ले। मेवाड़, ये मेवाड़, चलो यहाँ से किसने अटैक किया? अरे मुल्तान यार, गुड यार, तुम मेरे दोस्त हो, इम्प्रूव से। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना तो हम कैप्चर कर ही लेंगे, है ना। बस और सही है क्या, एक टर्न और रुक जाओ, वो कैप्चर कर लेगा, हम जीत जाएंगे। तो 100% कैप्चर हो गया भैया, मुल्तान ने मान लिया उसके अच्छे से। तो भाई रुकेंगे नहीं, नहीं अभी नहीं रुकना है हमें, अभी हमें क्या करना है, ये जो सैनिक है ना यहाँ भेजना है, ठीक है। इससे हम मास्टर ट्रेड रिक्वेस्ट भेजते हैं, थोड़ा गोल्ड भेजते हैं, ऐसे कुछ 2000, है ना। और हमें चाहिए मिलिट्री असिस्टेंट प्रपोजल, क्योंकि देखो अभी मुल्तान क्या करेगा, पीस नेविगेशन करेगा, तो उसमें होगा का कि पीस नेविगेशन करेगा तो पूरा नहीं लेगा वो, इससे मांग लेते हैं। वैसे हमें बहामास को करना था ना कैप्चर, तो वो भी हो गया, तो मैं छोटा छोड़ो, ये दो ठोलो सेंड प्रपोजल खत्म करो, है ना। सो मैं खुद थक गया, क्योंकि 1.5 घंटे से मैं पूरा वीडियो बनाए जा रहा हूँ, और बीच बीच में रुकना पड़ रहा है, एडिट करना पड़ रहा है, मतलब पूरी आर्मी करनी पड़ी अभी मेरे को एडिट करना पड़ेगा, तो यार बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अब बीच बीच में कुछ पार्ट तो मैं कट कर दूंगा, है ना, बीच बीच में फालतू वाले जो अभी मैंने 2 मिनट पूरी बकवास की है। ठीक है गाइस, मैं आपको अगले एपिसोड के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए सायोनारा।